आज मैंने बड़े अच्छे अच्छे फर्ज निभाए। अब राइटर का लाइफ ऐसा ही होता है। मैं मनोज मुंतशिर जी को फोन करके पूछती हूँ। पीछे देखो, पीछे देखो, मेरा गर्दन मुड़ गई, पीछे देखो। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। आज मैं मीटिंग के लिए ऑफिस आई थी और इधर कलेश पड़ा हुआ है कि मुन्ना के पास कुछ बाहरी रकमें निकली हैं और डर के मारे मुन्ना ने अपने 10-10 के भी दो रखे हुए हैं। बट मुझे समझ नहीं आती कि जब मुन्ना कभी इंडोनेशिया नहीं गया तो इंडोनेशिया के 20-20 के दो नोट कहाँ से आए? सब चीज ने डाटी है, अभी का भी डाटी है, ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये क्यों निकले इसके पास विदेशी पैसे? मेरा है ना, क्योंकि इंडोनेशिया तो कितने का रिक्शा? एक मिनट, 225 5,000 है, इसने 60,000 बोल दिया। ये तो चाहता है एक एक करके दुनिया में सिर्फ यही रहे H3 में मेन। 5,000 मैंने क्या 60,000 में अब भी मुन्ना से छीन लेती ये पैसे अगर 60,000 होते तो। इसने उड़ के लात मारने के और पैसे छीन देने थे। तो ये पैसे छीनेगी कि रखेगी? नहीं नहीं, ये रख दूंगी, मुझे लगा 50-60,000, इसने गलत कैलकुलेशन बता दी। यामिन, तुम्हारे पे ट्रस्ट हटता जा रहा है भाई, तुम लोगों को हटा रहे हो और तुम्हारे खुद के फूल खिल रहे हैं। A few moments later. पांडे जी को जल्दी छुट्टी हो गई। क्या करोगे पांडे जी घर जाके? जाके आराम करूंगा। शाम को व्लॉग नहीं देखोगे? आएगा ना शाम को, शाम देखोगे? पक्का? चलो, क्या पता मैं आपको रात को बुला सकती हूँ। ये तैयार रहते, बाय पांडे जी। तो चलिए जी, मैंने सुबह सुबह नहीं 11-12 बजे आ गई थी क्योंकि मुझे ऑफिस में मेरी मीटिंग थी। बस अब ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ बाप बेटे क्या कर रहे हैं और वो दो जो बेटियां हैं वो क्या कर रही है, शीला और रूपा। बाप बेटे से ज्यादा मुझे उनकी फिक्र होती है कि आपस में लड़ तो नहीं रही। इतना कुछ मैं बोल रही हूँ और ऊपर से फैन भी ऑन है, मुझे इतनी अकल नहीं कि मैं फैन बंद करूँ। हाँ, सो फैन बंद किया तो घर आ गया। मैं क्या करूं? अभी गया नहीं। और देखो, जाने से पहले क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा हूँ कि भाई आने का कोई ठिकाना नहीं है, स्टोरी सीटिंग है। कभी हो सकता है कि घंटे में आ जाए, कभी हो सकता है कि पूरी रात ही महफिलों में। पूरी रात नहीं हो सकती, किसी स्टोरी में महफिलों में लग जाती है रात। कोई ऐसी स्टोरी नहीं होती जिसमें पूरी रात लग जाए। राइटर का लाइफ ऐसा ही होता है। मैं मनोज मुंतशिर जी को फोन करके पूछती हूँ कि आपका लाइफ ऐसा ही है क्या? राइटर का लाइफ यही है, अभी घर से निकला, कहीं मैखाने में बैठे मिले। कौन से खाने में? मैखाने में, फिर मैं लेकर आऊंगी खींच के तेरे को तय खाने में। आया बड़ा जा रहा है। क्यों यार, हमारा संगम नहीं हो पाएगा? जो मैं आती हूँ तू चला जाता, तू आता मैं चली जाती हूँ। सो कितनी बार बोला भी, उस लिफ्ट में मत जाया कर, कचरा जाता है, उसी में जाता है, उसको मजा आता है। आ रहा कुछ कड़वी बात बोलने आ रहा, कुछ कड़वी बात बोलने आ रहा। दोस्तों बोल दे कड़वी बात कुछ। खाने में देर हो सकती है, खाने में मेरा इंतजार मत कर। वो तो मैं जरा भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। अगर से तू मुझसे प्यार करता होगा जो मुझे भाग के पप्पी देने आएगा। कोई बात नहीं बेटा, तेरी भी शादी होनी है ना, देखती हूँ फिर तेरे को। और तू क्या बुला रही मुझे, तेरी पप्पी लो? Oh, no. उसने पप्पी नहीं दी तो कहती दीदी हम भी तो हैं, हम भी तो हैं, मतलब क्या? अरे ये कैसे मतलब, 12 घंटे के लिए काम करने आती है और मैं इसको पप्पी दूँ? लाइफ हो तो रूपा दीदी जैसी, जिस टाइम पूरी दुनिया काम कर रही है, मैं काम कर रही हूँ, भैया काम कर रहा है, शीला काम कर रही है, उस टाइम पे ये औरत उल्टी चादर लेके सोई हुई है। दीदी हाँ? दीदी मुझे सोने दो, सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो। देखो भाई घर आओ तो ये हाल होता है, बस एसी चला के ठंडे में मस्त सो रही है। आप और भैया काम कर रहे हो ना? कहती आप और भैया काम कर रहे हो ना तो हम सोए भी ना, तो कम से कम हम काम कर रहे हैं तो चादर तो सीधी लेके सो। सीधी है, सीधी है। क्या बोला पांडे जी आपने? अच्छा ये सामान अभी तो बाय की थी आपको मैंने। सर जल्दी उठे, संतोषा रहा था, बोले आप रहने दो हम जा रहे हैं। तो आपको लगा कि इधर हाय हेलो करके जाऊंगा? चल नमस्ते कर, नमस्ते करो बेटा। नमस्ते अंकल। बताइए, चाचा जी बोल रही है।
गलत बात है दीदी, चाचा जी इतने यंग है। लो इसको। गुस्सा ही चढ़ गया, लो इसको मार खाओगी वरना। A few minutes later. तो चलिए जी, मुझे लगता है कि पापा तो है नहीं, थोड़ा मुझे घूमना चाहिए। पहले जाएगा गोला नानी के घर, क्योंकि नानी का घर साथ वाली बिल्डिंग में है, और फिर जाएंगे हम दादी के घर, है ना गोला? दादी के घर सरदार बच्चा। हेलो, मैरी क्रिसमस बोलो। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस क्या? मैरी क्रिसमस। क्रिसमस नहीं, क्रिसमस। क्या बोला तूने? ओ, मेरा भी गलत करा था मेरी मम्मी ने। सो गाइस, क्रिसमस 2-3 दिन पहले था, बट हम लोग सारे बिजी थे, लेकिन अपनी जो अंजलि है और मुन्नी है वो दोनों कैथलिक है, हमें उनके साथ मनाना चाहिए था, बट इधर कोई नहीं था इसलिए वो यहाँ पर थी, बट हम केक लेकर आए हैं और आज उनके साथ काटते हैं। अरे मुन्नी के मुंह में पानी आ रहा है। पानी तो सबके मुंह में आ रहा होगा जो व्लॉग देख रहे होंगे। इसको सब केक पसंद है। आ जाओ। चलो जी, विश यू अ मैरी क्रिसमस, विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू, ताली मारो मम्मी, ताली मारो, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। ये गोलू घर का दोस्तों, मेरे ससुर जी का नया लुक आप देख सकते हैं। ओह लल्ला, आप 10 ईयर छोटे लग रहे हैं, और बच्चा नंगा भी है। Oh, no. तो YouTube की गाइडलाइन होती है जिसमें आप नंगा बच्चा नहीं दिखा सकते। तो ससुर जी, आप बिना टी शर्ट के बैठ सकते हो, लेकिन बच्चा नहीं। Oh, no. अच्छा गोले बोलो रीटा, आए गोले बोलो रीटा। So, ये हर्ष सिखाता है इसको घर में। दोस्तों, ये पूरी बिल्डिंग में ना 3 घर अभी भी सजे हुए हैं, एक मेरी मम्मी का, एक मेरा और एक मेरा ससुराल। एक्चुअली हम लोग आलसी हैं, अब हम सोच रहे कि नए साल पे ही उतारेंगे। कौन उतारे यार, अच्छा लग रहा है देखो। तो रहन दो फिर। हाय, ये पूरे दिन का हिसाब पूछता है। अरे चक्कर आ जाएंगे गोले। आज मैंने बड़े अच्छे अच्छे फर्ज निभाए अपने, अच्छी बेटी का, मम्मी के पास गई गोले को लेके मिलवाने, अच्छी बहू का, अपने ससुराल गई खाकर आई वहां से, और लेकिन अच्छी बीवी वाला वो अभी तक हुआ नहीं है। अरे भाई सब बन गया, खाना दे रहे हैं, शीला दे रही है गर्म करके। मैंने क्या बनाया, क्या है? मैंने बनाया है दाल चावल और आलू का चोखा। इसमें इतनी हंसने वाली और खुशी वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि तू आगे तो उदासी वाला उदासी वाला भोजन है। दाल चावल आलू का चोखा, जैसे 56 भोग बनाए तुमने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, प्यार से बनाया हर्ष। ऐसे अगर मैं सूखे चावल भी बनाती ना तो तू अमृत समझ के खाया था। अच्छा। हाँ, क्या है? क्या सूखे चावल बना देती भाई बड़ी। कुछ नहीं बनाया इसने, झूठी है ये, झूठी। तो आइए दोस्तों, आपका गैलेक्सी में स्वागत है। आए गोला, गोला और बूरा पहुंच गए हैं। नींद से हम चूर है, लेकिन बच्चा खेलने में मशहूर है। अरे 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 अरे, ये हम दोस्तों इसलिए कर रहे हैं कि रूपा दीदी खाना खा रही है और इसको अपने वश में रखना है हमें। वाह,
चिक 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 को, 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 पीछे देखो। लाइव लाइट शो देखो, लाइव डीजे सुना। आप नए साल पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। चुंड 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 पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। इसमें म्यूजिक है कि पीछे देखना है? अरे ये म्यूजिक का नाम ही है, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। एल्बम का नाम है पीछे देखो। हर्ष बच्चा डर गया। ओह नो। हर्ष बंद कर यार, बच्चा डर गया। हर्ष बच्चा दीवार के साथ लगा हुआ है। हर्ष ये बच्चा जो 2 मिनट रहा चुप करे, ये पिछले 5-7 मिनट से चुप खड़ा दीवार के पास। हाँ बेइज्जती हुई ना, आ गया है। चल हर्ष म्यूजिक पीछे देखो, पीछे मेरे गर्दन मुड़ गई, पीछे देखो, पीछे देखो। ये है कोई म्यूजिक? अरे एक लड़का बेचारा करता है, बहुत अच्छा करता है। चलिए जी, हमने खाना खा लिया और बहुत ही अच्छा खाना था। मैंने आलू का चोखा बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा। हर्ष कैसा था बोल? बहुत अच्छा था। मेरे को शर्म आती है जब भी मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो सामने आके देखता है ये। शर्माती क्या है, बोलना। अच्छा बनाया था, अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया। कभी ना शर्माऊं। चलिए जी ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैंने सोना भी है कि चोखे बनाती रहूं मैं इसके लिए। आया बड़ा, बाय बाय। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, रोज बोलना पड़ता है। कर लो अब, चलो कर लो, बाय। तो चलिए जी, मैं खाना खाने लगी हूँ और मैंने बना लिया है दाल चावल और आलू का चोखा।